नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रोबीली आवाज के मालिक अमरीश पुरी का है। केएन सिंह, प्रेमनाथ, प्राण, अमजद खान से शुरू होकर ये सिलसिला अमरीश पुरी पर आकर ठहर गया। इन हस्तियों ने खलनायक के स्तरीय और बहुआयामी चेहरे पेश किए जो आज हिंदी सिनेमा के मानक हैं। अमरीश पुरी अपनी ऊंची कदकाठी और बुलंद आवाज के बल पर सबसे आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा कर देती थी। उनका कसरती बदन फौलाद की तरह मजबूत दिखाई देता था। उनकी फिल्में आकर चली जाती थी मगर उनका किरदार दर्शकों को बरसों याद रहता था। अमरीश पुरी अक्सर अपने बारे में कहा करते थे कि वो लवेबल विलेन हैं। 22 जून साल 1932 को जन्मे अमरीश पुरी मदनपुरी के छोटे भाई थे। 20 साल तक सरकारी नौकरी में रहे लेकिन इस दौरान रंगमंच से भी जुड़े रहे। पंडित सत्यदेव दुबे जैसे निर्देशकों के मार्गदर्शन में उन्होंने 50 से अधिक नाटकों में काम किया। 1954 में उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन तब फिल्म निर्माताओं ने क्रूड एंड हार्श फेस कहकर उन्हें ठुकरा दिया। अमरीश पुरी ने थिएटर कर, विज्ञापनों में अपनी आवाज देकर अपने संघर्ष को जारी रखा। जब अमरीश पुरी की उम्र 40 के पार हो गई तब उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हुए। इस उम्र तक आते आते कई कलाकार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उनके खाते में 2 दशक का अनुभव और फिल्में हैं, मगर किसे पता था कि कुछ बरस बीत जाने के बाद यही अभिनेता अपने मनपसंद रोल करेगा और खलनायकी की सबसे ज्यादा कीमत वसूल करेगा। फिल्मकार सुखदेव ने अमरीश को फिल्म रेशमा और शेरा का ऑफर दिया था। कुछ दिनों के बाद फिल्म का निर्देशन सुनील दत्त के हाथों में आया तो अमरीश पुरी ने राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंटों के बीच चलने वाली इस प्रेम कथा को पसंद कर अपनी मंजूरी दी। इस रोल के बाद फिर आधा दशक गुजर गया और जब हिंदी फिल्मों में कला सिनेमा या समांतर सिनेमा की मशाल श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार ने जलाई तो अमरीश पुरी रंगमंच और फिल्मों में काम करने के साथ साथ सिनेमा की इस दुनिया से भी जुड़े जिसे कला सिनेमा कहा जाता था। रंगमंच और पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित कलाकारों को बेनेगल की छत्रछाया में अनेक ऑफर मिले। अमरीश पुरी भी उस भीड़ में शामिल हुए। बेनेगल के साथ उन्होंने फिल्म निशांत, मंथन, भूमिका जैसी फिल्में की और अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। गोविंद निलहानी की फिल्म अर्धसत्य में उन्होंने जानदार रोल किया। कमर्शियल फिल्मों में अमरीश पुरी की पहचान फिल्म हम 5 साल 1981 से बनी। इसके बाद फिल्म विधाता और हीरो ने उन्हें हीरो विलन बना दिया। उनकी बॉलीवुड में डिमांड बढ़ती चली गई और यहां तक आते हुए ये बता देना जरूरी है कि प्राण साहब की इमेज एक कैरेक्टर कलाकार में बदल रही थी। अमजद खान यानी कि गब्बर सिंह का जादू भी लोगों के सिर से अब उतर रहा था। अनेक चिल्लर विलेन मैदान में जरूर आए थे मगर वो अमरीश पुरी के सामने बौने साबित हुए। अमरीश पुरी के करियर में धमाका फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से हुआ। उनकी पंच लाइन मोगेम्बो खुश हुआ दर्शक दोहराने लगे। कुछ फिल्मों में अमरीश पुरी को पॉजिटिव रोल करने के मौके भी मिले। प्रियदर्शन की फिल्म मुस्कुराहट में एक झक्की जज के रोल को उन्होंने कुछ इस अंदाज में जिया कि पूरी फिल्म में दर्शक मुस्कुराते रहे। राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में वो बीमार पिता के रोल में नजर आए। फूल और कांटे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम लखन, सौदागर, करण अर्जुन, घायल, गदर, दामिनी जैसी कई फिल्में, और इन फिल्मों की खासियत यह है कि उनकी मुख मुद्राएं, संवाद बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बहुत अलग अलग दिखाई देता है। अमरीश पुरी का स्क्रीन प्रेजेंस इतना जबरदस्त होता है कि दर्शक ठगे से रह जाते हैं। जब रोल कम मिलने लगे तो फिर फालतू के रोल उन्होंने उस दौर के दूसरे विलेन के लिए छोड़ दिए। वे घर पर ही रहकर अपने पोते पोतियों के टूटे खिलौने सुधारा करते थे। फिर वो कुंदन लाल सहगल के गाने सुनकर गुजरे जमाने के पलों को पकड़ने की कोशिश भी करते थे।
कैंसर की बीमारी की वजह से साल 2005 12 जनवरी को उनका निधन हो गया। उनके गुजरने के बाद बॉलीवुड को दूसरा दमदार खलनायक अभी तक तो नहीं मिल पाया। अगर कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।